नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर सिक्योर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि फ्यूचर सिक्योर ने एक इनिशिएटिव लिया है इस समय, ठीक, जो कि प्रिपरेशन करवा रहे हैं इस समय आपके एसएससी जेई एग्जाम की। ठीक, तो एसएससी जेई एग्जाम के बारे में जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि एसएससी जेई एग्जाम जो आपका होता है यह आपका दो फेज में होता है। ठीक, फेज वन आप इसको प्री एग्जाम बोल सकते हैं और जो इसका आपका फेज टू होता है इसको आप मेंस एग्जाम बोल सकते हैं। ओके, ठीक, जो आपका प्री एग्जाम होता है डियर, इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, एक और इसमें आपका सिलेबस होगा जिसमें आपका होगा टेक्निकल पोर्शन। ठीक, दूसरा जो इसका आपका पार्ट होगा वो आपका रहने वाला है नॉन टेक पोर्शन। ठीक, टेक्निकल पोर्शन में तो आप जिस ट्रेड के होंगे उस ट्रेड के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि आपका होगा 100 मार्क्स का। ठीक, फर्दर जो आपका नॉन टेक पोर्शन यहां पर डियर होगा ये भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है और ये जो आपका 100 मार्क्स का नॉन टेक पोर्शन यहां पर रहने वाला है इसको फर्दर यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपको पता है इसमें एक पार्ट आपका रहने वाला है बेसिक रीजनिंग का। ठीक, और दूसरा पार्ट जो सिलेबस में आपके बताया गया है वो होने वाला है आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका 50 मार्क्स का रीजनिंग रहने वाला है और आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है जनरल अवेयरनेस। ठीक, ये तो आपका बेसिक सिलेबस है डियर जो आपके प्री में बताया गया है जिसमें आपका टेक्निकल पोर्शन है, आपका नॉन टेक पोर्शन है। नॉन टेक पोर्शन में आपके 50 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी, आपका 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस रहेगा। इसके बाद जो आपका मेन्स एग्जाम है ये तो आपका टोटल सब्जेक्टिव होने वाला है। तो फिलहाल हम जिस पे बात करेंगे डियर, क्योंकि मैं फ्यूचर सिक्योर में एज अ नॉन टेक फैकल्टी हूं तो मैं इस समय नॉन टेक के ऊपर ही बात करने का प्रयास करूंगा। ठीक, जहां तक एसएससी जेई में नॉन टेक पोर्शन की बात है डियर, वहां पर जो आपके सिलेबस में जनरल अवेयरनेस नाम का टॉपिक है यहां पर जो आपसे अपेक्षा होगी वो बेसिक आपको जीके की आवश्यकता होगी। ठीक, जब मैं जीके कह रहा हूं तो जीके का मतलब है लाल किला किसने बनवाया था, कुतुब मीनार कहां स्थित है, गंगा कौन कौन से राज्यों में बहती है, जो कि आपके बहुत ही साधारण आपको जागरूकता अपने देश के बारे में या विश्व के बारे में होनी चाहिए। ठीक, लेकिन जब हम यहां पर जनरल अवेयरनेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे डियर, ठीक, तो हम इसको जनरल अवेयरनेस के तौर पे ना देखे हमारा प्रयास रहेगा कि इसको हम देखें जनरल स्टडीज के तौर पर। ठीक, जब मैं इसको जनरल अवेयरनेस के तौर पर ना देखकर जनरल स्टडीज की तरफ ले जाने की बात कह रहा हूं तो इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये कि जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे तो मान के चलिए आप केवल एक ही एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं, वो केवल ऐसे एग्जाम है जहां पर आपका जीके पोर्शन पूछा जाता है जैसे कि आपका एसएससी जेई। ठीक, लेकिन जब हम जनरल स्टडीज की बात करेंगे तो जनरल स्टडीज में हम प्रत्येक जितने भी आपके विषय होंगे इनका तथ्यात्मक अध्ययन तो करेंगे ही करेंगे। ठीक, लेकिन तथ्यात्मक अध्ययन के साथ हम प्रयास करेंगे कि इनका हम विश्लेषित अध्ययन भी करें। क्लियर है? ठीक, जब हम इन विषयों का विश्लेषित अध्ययन करेंगे तो इसकी वजह से जो आपको लाभ होगा वो ये कि आप इसके सहारे केंद्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर जितने भी आपके अन्य एग्जाम होते हैं जिनमें आपका जनरल स्टडीज से पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका UKPCS हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका UPPCS है, इसके अलावा आपका हिमाचल का PCS है, इसके अलावा आपका MPPCS हो गया, आपके UPSC के एग्जाम हो गए, आप UPSC सिविल सर्विसेज मान सकते हैं, इसके अलावा आपका UPSC में CAPF होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्जाम हो गया, इसके अलावा आपका SSC के एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका SSC CPO, फॉर एग्जाम्पल आपका SSC CGL। ठीक, और इसके अलावा जिस स्टेट से आप रहते हैं उस स्टेट के अन्य ग्रुप सी के सभी एग्जाम्स। ठीक, तो नॉन टेक पोर्शन की डियर यहां पर यह महत्ता होगी कि अगर आप इस जनरल अवेयरनेस को टॉपिक को एज अ जनरल स्टडीज के तौर पर हम कवर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको इन सभी क्षेत्रों में इससे लाभ मिलेगा, चाहे आप फिर उत्तराखंड का PCS एग्जाम दें, चाहे आप उत्तर प्रदेश का PCS एग्जाम दें,
चाहे आप हिमाचल प्रदेश का पीसीएस एग्जाम दें, चाहे आप अन्य स्टेट्स के पीसीएस एग्जाम दें, या फिर आप यूपीएससी का कोई एग्जाम देने जा रहे हों, वहां पर भी आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक, तो हम डियर यहां पर कोशिश करेंगे कि जो आपका जनरल अवेयरनेस है, इसमें हम एक एक विषय का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, और जो विषय आपको इसमें देखने होंगे डियर, उन विषय में आपके कौन कौन से विषय रहने वाले हैं। एक विषय तो यहां पर आपका होगा इतिहास, जैसे कि आपको पता ही होगा आपके सिलेबस में ये होगा। ठीक, इतिहास के अलावा जो यहां पर विषय होगा वो होगा आपका भूगोल, इसके अतिरिक्त विषय होगा यहां पर अर्थव्यवस्था, इसके अतिरिक्त और यहां पर होगा आपका राजव्यवस्था। ठीक, राजव्यवस्था में हम भारतीय संविधान भी देखेंगे। इसके अलावा यहां पर होगा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और इसके अलावा हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे डियर आप लोगों का करंट अफेयर्स। ठीक, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा पिछले कुछ समय से करंट अफेयर्स की महत्ता काफी बढ़ गई है एग्जाम में। ठीक, तो इन विषयों को हम एक विश्लेषणात्मक तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम इतिहास का कमोबेश सभी विषय को आपका कवर करेंगे। इसके अलावा भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था और इसमें भारत का संविधान, इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसमें आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, आपका लाइफ साइंस होगा, और जो आपने टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपका विकास हुआ है उसको देखने का प्रयास करेंगे, और साथ में देखने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी आपकी समसामयिक घटनाक्रम होगा या आपका करंट अफेयर्स होगा। ठीक, इसके अलावा जो आपको क्लासेस में एक्स्ट्रा मिलेगा डियर, वो ये कि जो आपका समसामयिक घटनाओं में कोई चर्चित बिंदु होगा उस पे हम क्लास में अलग से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप वर्तमान में देख पा रहे होंगे कि देश में आपका नागरिकता कानून को लेकर इस समय बहस चल रही है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि क्लास में जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना हम उन विषयों पर चर्चा करने का भी प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।